चलिए जी, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही धमाकेदार धांसु प्रश्न ये देखिए आपके सामने है। कह रहा है यदि p अपॉन टू q अपॉन थ्री और r अपॉन फोर जहाँ पर r बिंदु पर कार्यरत दो बलों का परिणामी p व q का परिणामी है, r और p के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो डेटा दिए गए हैं उन डेटा अर्थात आंकड़ों को लिख लें आप लोग, जो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो आंकड़े आपको यहाँ पर दिए गए हैं उन आंकड़ों को सर्वप्रथम आप जो है उसे नोट कर लें। चलिए, तो क्या दिया है, सबसे पहले आपके सामने एक समीकरण दी गई है, इसे हम बल समीकरण के नाम से जान सकते हैं। और जो बल समीकरण आपके सामने दी गई है प्रश्न क्रमांक 94 में, वो कह रहा है P अपॉन टू इक्वल टू Q अपॉन थ्री इक्वल टू R अपॉन फोर। जी हाँ, P अपॉन टू इक्वल टू Q अपॉन थ्री इक्वल टू R अपॉन फोर, ये आपके सामने समीकरण दी गई है। और कह रहा है जहाँ R एक बिंदु पर कार्यरत दो बलों P तथा Q का परिणामी है, तो जो R बल है वो बिंदु P और Q जो बल है, कृपया माइक ऑफ कर दीजिए, एक सर का माइक शॉर्ट हो रहा है, चलिए ऑफ हो गया शायद। यहाँ पर परिणामी R है मित्रों, किनका, देवेश कुमार सर आपका माइक से आवाज आ रहा है, प्लीज इसको ऑफ कर लीजिए। हाँ सर, अभी सर क्या है, वो फोन आता है ना, जैसे आपके मोबाइल में मैसेज या फोन आता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के आगमन से प्रतिरोध संचरित हो जाता है, ये उसकी नॉइस होती है। फिजिक्स में इसको हमिंग नॉइस या वाइब्रेशनल साउंड्स या एडी करेंट साउंड्स भी बोला करते हैं। तो इस वजह से हम तो रूम में अकेले बैठे, रूम बंद ही चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है सर, पुनः आवाज़ आ रही है। चलिए कोई बात नहीं सर, जब वो क्या होता है सर, जैसे आप ईयरफोन लगाइए किसी बाजू वाले के में फ़ोन आता है तो कभी कभी आपको कैं कैं की आवाज़ आती है, वो वही आवाज़ थी, तो अब वो संकट दूर हो चुका है, डोंट वरी सर। तो अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलिए देख रहे थे अपन क्वेश्चन क्या था। हाँ जी, क्वेश्चन ये था मित्रों, आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, यदि P अपॉन टू क्यू अपॉन थ्री आर अपॉन फोर जहाँ R एक बिंदु पर कार्यरत दो बलों का परिणामी P था Q है, तो मित्रों यहाँ जो R है ये हमारे पास दो बलों का परिणामी है P और Q, तो P और Q मान लेते हैं हम ऐसे लग रहे हैं। और अब हमें कह रहा है R तथा P के मध्य का कोण ज्ञात करना है, तो आपके सामने R और P जो हैं उसके मध्य का कोण ज्ञात करना है, मतलब आपको ये वाला कोण चाहिए है अल्फा, अल्फा मान लो, थीटा मान लो, जो आपको मानना हो मान लीजिए। बोलिए मित्रों, प्रश्न समझ में आ गया होगा सभी को, मैंने प्रश्न क्लियर कर दिया है। चलिए आगे निकालते हैं, इसका हल कैसे निकालते हैं। देखिए तो सिचुएशन क्या दी हुई है आपके पास में, प्रश्न की सिचुएशन दी है पी अपॉन टू इक्वल टू क्यू अपॉन थ्री इक्वल टू आर अपॉन फोर, तो पी अपॉन टू इक्वल टू क्यू अपॉन थ्री इक्वल टू आर अपॉन फोर, सबसे पहले इसे लिख लें। और क्योंकि बलों पर खेलना है हमें R और P का कोण ज्ञात करना है, तो हमें जैसे सरल रेखा में इसको हम कोई प्राचल मानते हैं T, ऐसे यहाँ पर इसको T, K, म्यू, लैम्डा, जो जो मानना हो आप मान लीजिए। इस तरीके से बल P का परिमाण हमारे पास आ चुका है 2T न्यूटन, बल Q का परिमाण आ चुका है 3T न्यूटन और बल R का परिमाण आ चुका है 4T न्यूटन, ये हमारे पास बल आ चुका है। अब क्या कह रहा है कि R जो है P और Q का परिमाण है, तो हमने कल आपको पढ़ाया है R का स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, तो फॉर्मूला बताइए मुझे। हाँ जी बिल्कुल सही, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, मतलब दोनों बलों के बीच का कोण, तो यहाँ पर P और Q के बीच का कोण जो है कॉस थीटा, पर मान के चल लेते हैं कि बल P और बल Q के बीच का कोण जो है वो है थीटा। चलिए तो R कितना दिया है, यहाँ पर हमारे पास R दिया है 4T, तो 4T का हो जाएगा 16T स्क्वायर, P स्क्वायर हो जाएगा कितना 4T स्क्वायर, Q स्क्वायर हो जाएगा 9T स्क्वायर और प्लस 2 PQ, 2 इंटू 2T और 3T,
है ना, और कितना मतलब 2 2 जा 4 3 जा 12 टी स्क्वायर और कॉस थीटा। चलिए अच्छी बात है भाई साहब, तो हमारे पास टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, जल्दी जल्दी कैंसिल भी कर देंगे हम लोग, हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर। और अब आपके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा देखिए, यहाँ पे यहाँ पर आपके पास आएगा 16 बराबर 9 और 4 13 प्लस 12 टी स्क्वायर। ओके 16 9 और 4 13 प्लस 12 टी स्क्वायर, 16 में से 13 गए तो यहाँ बना 3 बराबर 12। ओहो कॉस थीटा भूल गया मैं, टी स्क्वायर नहीं बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। किसी को जुड़ना है मीटिंग में? राजमणि सर, नमस्कार राजमणि सर। तो अब देखिए जो कर रहे थे हम, 13 प्लस यहाँ हो गया 12 और कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 3/12 अर्थात 1/4 आ गई, ये आ गई हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए है, अब हमें जो है जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि कोण बताना है किसका, इसका ये वाला कोण बताना है आर का इस वाले के साथ अल्फा। तो आप लोग याद करो मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा, फिलहाल क्यू है तो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये मैंने पढ़ाया था आपको, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, टेन अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन है ना पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो अब हमारे पास देखिए कॉस थीटा तो है, साइन थीटा लगाने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है बचपन वाला, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे अपन ये भी निकाल लेंगे, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्यू कितना है 3t, क्यू की वैल्यू 3t, साइन थीटा कहाँ है साइन थीटा निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, तत्काल 1 माइनस 1/16 बोले तो अंडर रूट 15/16। देखिए जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही मतलब उनके बेसिक भारी तरीके से डैमेज हैं, तो वो डैमेज कंट्रोल की प्रोसेस में लग जाइए भाई साहब, बहुत थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। जैसे मैंने ये सॉल्व किया, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया ये कहाँ से आया, तो ये फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये छोटी चीज़ें जैसे किसी किसी को दिक्कत करती है ना, मतलब थोड़ा सा आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, हार्डवर्क करिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो गया कितना 15/16, और 15/16 मतलब अंडर रूट 15 और 16 का रूट कितना आएगा, रूट के बाहर 4, तो यार रूट थोड़ा सा छोटा बना दूं मैं, रूट के बाहर 4 ये आ गया ऊपर। हाँ इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है क्या, दूसरा पार्ट है पी, पी पी कितना है 2t प्लस क्यू कितना है 3t, कॉस थीटा डायरेक्ट रख दो कितना है कॉस थीटा अपने पास, ये निकला है 1/4, कॉमन लेके टी टी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, टी टी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ऊपर बच गया कितना, चलो भाई 3 अंडर रूट 15/4 और नीचे 4 2 जा 8 प्लस 3 यानी कि 11/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 रूट 15/11। सो आंसर थीटा बराबर 10 थीटा बराबर 3 रूट 15/11। मैसेज किया है हमारे किसी सज्जन ने भाई सर, क्या मैसेज आया है सर? ओके यस बिल्कुल सही हिना प्रजापति जी, पहली बार आंसर भाई बहुत जल्दी आ गया, 3 रूट 15/11 बिल्कुल सही जवाब है आपका, हमने भी सॉल्व किया 3 रूट 15/11 आ चुका है। और यहाँ पर यदि हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा थीटा बोला है कि 10 थीटा बोला है, तो एंगल पूछा गया है तो एंगल इस बार 10 इनवर्स में आएगा, और ऑप्शन आपके सामने चमक रहा है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट मत करिए। सो 10 थीटा इक्वल्स टू इतना आ गया, बताइए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर समझ गया। चलिए तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा परिमाण वाला हो गया, डन आगे बढ़े, इजाजत है सभी की? हाँ सूरज सर ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर आगे चलिए। चलिए तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस
inclined at an angle alpha, half of the resultant when they are inclined at an angle beta. Okay, दो बल हैं, मान लीजिए P और Q दो बल हैं. ओके, तो दो बल हैं कह रहा है कि जिस समय ये कोण अल्फा पर झुकते हैं, दो बल हैं, ये दोनों कोण किस केस पे झुकते हैं, अल्फा पे. तो दोनों बलों का परिणाम इक्वल दिया है, तो चाहे तो पी पी मान लो या दोनों बलों को क्यू क्यू मान लो, तो ये दोनों बल क्यू क्यू पी पी जो जो एक्स एक्स जो जो मानना हो आपको मान लो, इनके बीच का पहले कोण है अल्फा. मान लिया अल्फा होने पर इनका परिमाण जो आ रहा है, अल्फा होने पर इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है आर वन. रिजल्टेंट आ रहा है आर वन, रिजल्टेंट जो इनका परिमाण आ रहा है आर वन. अब इन दोनों के बीच का कोण जब बीटा कर दिया जाता है, इनके बीच का कोण बीटा कर दिया जाता है. ओके, तो इस समय अल्फा कोण पर झुके हुए दो समान बलों का परिणामी बीटा कोण पर झुके हुए इन्हीं बलों के परिणामी का आधा है. इसका मतलब ये जो परिणामी है उसका पहले वाला आधा है. तो भाई साहब, अगर आप आर वन हो तो आप किसका आधा होगे, टू आर वन का. मतलब दूसरा वाला परिणामी जो है वो कितना है, डबल है. चलिए बताइए, तो इसमें से कौन सा एंग सही सत्य है. तो देखिए, समझिए दोस्तों, ये भी Q है, ये भी Q है, मतलब पूरी पिक्चर में Q को गायब करना है और पूरी पिक्चर में R को गायब करना है. मतलब Q तो बचेगा नहीं और दूसरी चीज आपको R को भी एलिमिनेट करना है. तो इसकी पिक्चर को आगे बढ़ाने के लिए आपको R को गायब करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में से. तो जो आपके रिजल्टेंट आएंगे दोनों बलों के, उसको आपको कहीं ना कहीं से गायब करना होगा. चाहे जौन सी विधि लगाओ वो आपके ऊपर है. चलिए शुरू करिए इसको सॉल्व करना, शुरू करिए इसको सॉल्व करना. तो पहला केस देखते हैं. पहले केस में देखिए, इन दोनों के बीच का कोण अल्फा है, ये भी Q है, ये भी Q है. तो R1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर cos अल्फा. स्पीड बढ़ाइए, जितना शॉर्ट लिख सकते हैं यूपी टीजीटी में उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे मित्रों, ठीक है ना. तो आर वन स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लीजिए. फिर से घंटी बज गई. चलिए आर वन स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस अल्फा. यस, सो आर वन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा. देखिए ऑप्शन में जो हमारे पास एंगल्स हैं, ऑप्शन जो हमारे पास है मित्रों वो आधे एंगल वाला है. तो मन कर रहा है कि आधे एंगल में क्वेश्चन को ले जाया जाए. 2Q स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2. तो ये हो गया अपने पास में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2. इसको हमने ऐसा कर दिया. तो ये पहला परिमाण आ चुका है. अब आइए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है. दूसरा कह रहा है R2 निकाली अपन ने. R2 स्क्वायर इक्वल टू होएगा फिर से 2Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर कॉस बीटा. क्योंकि केवल एंगल बदला आपने और कुछ नहीं बदला है. तो R2 स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर कॉमन लेने पर फिर से 1 प्लस कॉस बीटा, अर्थात R2 स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2. ये हो गया. अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूसरा वाला परिमाण है R2 वो पहले वाले परिमाण का दोगुना है. तो वर्ग की जरूरत देखते हुए वर्ग कर दीजिए. तो R2 का वर्ग बराबर 4 गुना R1 का वर्ग. R2 के वर्ग का मान रख दीजिए 2Q स्क्वायर 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2. एक सेकेंड, और उसके बाद 2Q स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4 आर वन स्क्वायर, अर्थात 2Q स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2. सही लिखा है मैंने सब कुछ, सही लिखा है. तो Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल हो गया है. ओके, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया है. इधर वाला 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो अपने पास केवल बचा क्या, अपने पास बच रहा है
कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो कॉस बीटा बाय टू इक्वल टू प्लस माइनस मॉड में आएगा 4 का 2 कॉस अल्फा बाय टू रूट लेंगे। सर सूरज सर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है बताइए, स्क्वायर रूट लेके मैंने सही लिखा है मॉड की भाषा में? जी 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 बिल्कुल सर। हाँ क्योंकि मैथ्स की भाषा में अगर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है तो मैथ्स की भाषा में एक्स बराबर प्लस माइनस ए आता है ना सर? जी 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 हाँ, तो मॉड का ध्यान रखना है। तो यहाँ प्लस माइनस अल्फा बाई टू, तो बीटा बाई कॉस बीटा बाई टू इक्वल टू 2 कॉस अल्फा बाई टू। ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो कॉस बीटा बाई टू, चलिए इसमें धनात्मक आंसर दिए गए हैं तो कॉस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा बाई टू। करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए, लगाइए इसमें आंसर नंबर डी, स्क्रीनशॉट लीजिए, करेक्ट ऑप्शन है डी। मित्रों बताइए कहाँ पर कोई समस्या है? सर एकदम सही है सर, इसमें सर थोड़ा सा जो हमने आर वन स्क्वायर कर दिया है जी सर, वो आर वन इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर कॉस अल्फा होगा ना सर? तो टू क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर कॉस अल्फा, तो टू क्यू स्क्वायर उसमें से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस अल्फा होगा, वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। हाँ वही, फाइनली अंडर रूट के अंदर ही सर, अंडर रूट के अंदर ही 4 क्यू स्क्वायर कॉस अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू बनेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 क्यू कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा r1 का वैल्यू। सर 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 हाँ सर, मैंने इसको स्क्वायर में सॉल्व किया है और आप जो कह रहे हैं वो स्क्वायर रूट में सॉल्व करने को है ना? जी जी, ये सर जो r1 स्क्वायर लिखे हैं हाँ 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 हाँ, ये सर यहीं पे देखिए r1 अगर देखे तो r1 इज इक्वल टू 2 क्यू कॉस अल्फा बाई टू है। बिल्कुल सर है, बिल्कुल है सर, r1 का रूट ले लेंगे, दो बार दो है क्यू स्क्वायर है बिल्कुल, और r2 जो जो 2 r1 होगा सर, बिल्कुल सर, r2 इज इक्वल टू 2 r1, तो 2 r1 जो होगा इसी का 2 टाइम्स होगा और एंगल केवल बीटा बाई टू हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ जा रहा है हाँ। जो आपका रिजल्ट है यहीं से आ जा रहा है, दो लाइन तीन चार लाइन में ही आ जा रहा है सर। चलिए सर, तो इसको आप कह रहे हैं यदि इसको सॉल्व कर दें तो हम, तो R1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्योंकि दो दो कॉल बार हैं तो 2 क्यू कॉस अल्फा बाई टू, और R2 बराबर 2 क्यू कॉस बीटा बाई टू है ना सर? कॉस बीटा बाई टू हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है सर, अब इसके बाद जो है R2 बराबर 2 R1 है, मतलब 2 क्यू कॉस बीटा बाई टू बराबर 2 इंटू 2 क्यू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है सर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और अपने पास एंगल आ चुका है कॉस बीटा बाई टू बराबर 2 कॉस अल्फा बाई टू, यही ना सर? जी 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 बिल्कुल सर बिल्कुल सर। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना, तो ये थोड़ा सा छोटा कर दिया सर ने मदद की। तो चलिए, तो मित्रों आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके नाउ, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ली सबने, कोई हाँ बोल दे आप में से? जी सर। चलिए सर अगला सवाल चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 90। प्रश्न क्रमांक 90 करने के पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अधिकतम बल एवं न्यूनतम बल, फिजिक्स में अगर आप दो बलों में समान दिशा में यानी कि थीटा बराबर जीरो दिशा में दो बल लगा रहे हैं P और Q, तो उस स्थिति में बल अधिकतम निकलता है और वो बल होता है P प्लस Q, और अगर आप विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो बल आपका निकलेगा P माइनस Q। ओके, न्यूनतम बल F मिनिमम बराबर P माइनस क्यू, इस समय 180 अंश का कोण होता है और इस समय 0 डिग्री का कोण होता है, ये आता कहाँ से है आप ये भी समझ सकते हैं। अपन ने पढ़ रखा है कि R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। केस नंबर 1, अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री ले लें तो आप जानते हैं
जीरो डिग्री पर कॉस का मान कितना हो जाएगा, वन, कॉस जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होने के बाद, कॉस जीरो की वैल्यू यदि वन हो जाती है आप वहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस जीरो वन होने पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, सॉल्व करने पर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ये आ जाएगा। ओके दूसरी बात, अगर आप बात करें मिनिमम फोर्स की, सेकेंड वाला केस ले लें, सेकेंड केस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब बल एक दूसरे के विषम दिश हैं। पहले केस में बल एक दूसरे के समदिश थे, पैरेलल में, समानांतर में दो केस होते हैं, समदिश विषम दिश, तो फिलहाल बल लग रहे हैं विषम दिश, तो आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, और कॉस 180 कितना होता है माइनस वन, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, जिसको मैं लिख सकता हूँ पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस माइनस पी माइनस क्यू। ये आपको वहीं पर पता चल जाएगा क्वेश्चन में, मतलब परिमाण जो होगा वो पी माइनस क्यू के इक्वल आएगा। ओके मॉड ऑफ पी माइनस क्यू परिमाण आएगा। अब मान लो 15 यहाँ लग रहा है, 10 यहाँ लग रहा है, तो 15 माइनस 10 मतलब इस दिशा में बल जाएगा, और अगर 15 इधर लग रहा है और 10 का बल इधर लग रहा है तो फिर बल किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। इसलिए फिजिक्स में रिजल्टेंट में अगर आप प्लस माइनस लेते हो तो फिर वो आपका वेक्टर बन जाएगा, वैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे मॉड पी माइनस क्यू ले लीजिए, क्योंकि रिजल्टेंट मतलब परिमाण, और जब परिमाण की बात होती है तो दिशा की बात नहीं होती है, क्योंकि परिमाण खुद में दिशा रहित है, दिशा रहित, और जो सदिश होता है वो होता है दिशा सहित, तो एक दिशा रहित है और एक दिशा सहित है। चलिए तो सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो अपन ने करा है उसको करते हैं, उस क्वेश्चन को। यस, दो बलों के परिणामी का अधिकतम एवं न्यूनतम बल क्रमशः 40 इकाई और 20 इकाई है। ओहो अब तो ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन बन गया, जल्दी से कर दीजिए, बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन ए सही है सर, ऑप्शन नंबर ए, चलिए देखते हैं 90 का ऑप्शन नंबर ए, 90 का ऑप्शन नंबर ए, यस बिल्कुल सही है, 90 प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए ही सही है। दो बलों का परिणामी जब सेम डायरेक्शन में है तो P प्लस क्यू बराबर 40 और P माइनस क्यू बराबर 20, तो 2P सॉल्व करने पर इक्वल टू 60, तो P बराबर 30 आ गया और Q बराबर 10 आ गया। साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बल P बल Q से बड़ा है। चलिए मित्रों बताइए, किसी को डाउट है इसमें? यस मित्रों, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए अब मित्रों एक यस एक नया टॉपिक है आपके, इसमें आप यदि सिलेबस देख रहे हो, सुशीला दुबे जी आपका माइक से आवाज़ आ रही है टीवी वगैरह चलने की, प्लीज़ आप इसको म्यूट कर लीजिए, आपका जो माइक है इसको म्यूट कर लीजिए। यस तो अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, मैं आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, एक अपना टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, मेरे सामने सिलेबस रखा हुआ है, मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, इस वक्त सिलेबस मेरे सामने यहीं पर है, हाँ मित्रों मैं सिलेबस में पढ़ के बता रहा हूँ, सिलेबस है अपना स्थिति विज्ञान में, एक टॉपिक है प्रक्षेप गति सामर्थ्य, हाँ त्रिकोणमिति प्रमेय, यस ये है एक टॉपिक है बच्चों हम लोग को, त्रिकोणमिति प्रमेय। अच्छा मैं एक बात बता दूं आप लोग को, जो किताब है यूथ पब्लिकेशन की उसमें TGT के भी क्वेश्चन है और PGT भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा PGT के क्वेश्चन का स्टैटिक्स डायनेमिक्स बहुत भयंकर वाला है, बहुत हैवी वाला है, बड़ा ही जटिल स्टैटिक्स डायनेमिक्स है, इसलिए आप यदि किसी क्वेश्चन को देखें तो उसके सामने लिखा हुआ PGT वाला देख लें, और अगर वो PGT में है और आपको लग रहा है कि ये हमारा बहुत हैवी है
उसको तत्काल छोड़ दें। जैसे गुरुत्व केंद्र वाले भारी भरकम क्वेश्चन पीजीटी में तो आते हैं, मगर टीजीटी में सिलेबस में ही नहीं है तो नहीं आएंगे। कैंटनरी मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, टीजीटी में कैंटनरी नहीं है मगर पीजीटी में कैंटनरी है, इसलिए आप एक बार टीजीटी का सिलेबस निकाल करके अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। टीजीटी के सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही कम चीज़ें हैं टीजीटी के सिलेबस में। टीजीटी के सिलेबस में है आपका तीन बल लगे पिंडों का संतुलन, मतलब वही जो तीन बल लगते हैं त्रिभुज में उनका संतुलन, लामी का प्रमेय, त्रिभुज का नियम, त्रिकोणमिति प्रमेय जो मैं बताने जाऊंगा थोड़ा सा अभी, समकोणी बलों का वियोजन जो मैंने कल कराया था, संतुलन में सामान्य प्रतिबंध एवं गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल याद करने वाले आते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, केवल इतना सिलेबस स्थिति विज्ञान का है। और गति विज्ञान में आपके पास क्या है, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में गति प्रक्षेप्य की गति और कार्य ऊर्जा सामर्थ्य यानी कार्य ऊर्जा शक्ति, तीन चीज़ आनी है, कार्य आनी है, ऊर्जा आनी है, शक्ति आनी है। मतलब बहुत ही छोटा सिलेबस है आपका, पीजीटी के सिलेबस को देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, पीजीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, टीजीटी का छोटा है। चलिए आइए, खैर तो त्रिकोणमिति प्रमेय में ये सवाल है, कोई बता सकता है ये इसमें कौन सी प्रमेय लगती, किसी को याद है प्रमेय इसकी, त्रिकोणमिति प्रमेय इसमें एक प्रमेय लगती है, थोड़ा सा आइडिया भी यूज होता है, और वो प्रमेय क्या होती है बताएंगे कोई मेरे को, माइक ऑन करके प्लीज जवाब दें। अच्छा चलो ठीक है, किसी ने बीटा गामा फंक्शन सुना है, गामा फंक्शन तो जानते होंगे ना कुछ लोग, बताइए, नहीं जानते हैं, गामा फंक्शन जानते होंगे भाई, अगर आपके पास लिखा है, ये होता है गामा फंक्शन, अगर आपके पास लिखा है गामा एन, तो गामा एन का मतलब होता है एन माइनस वन, गामा एन माइनस वन। ये देखो ये छोटा सा टॉपिक आ गया है त्रिग्नोमेट्री समीकरण का, और मैं ये यहीं का यहीं बता के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं समझना आपकी मैं आपको अभी वो बलों का प्रयोग नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी बीच में आ गया है, तो सूरज सर आप बताएं मेरे को, आप मार्गदर्शन करें, क्या ये टॉपिक छोटा सा है तो मैं इसको बता दूं यहीं के यहीं कि ना बताऊं? हाँ सर बता दीजिए सर, सभी को थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा। हाँ क्योंकि सर इसके... मैं सुना हूँ सर, लेकिन अभी रिवाइज नहीं है मेरा। अच्छा सर ठीक है, हाँ, सर। बाकी सर बता दीजिए, जान भी जाएंगे हम लोग कैसे करना है इसको। ठीक है सर, तो ये जो है ये जो समीकरण है ये गामा फंक्शन होता है, ठीक है, अभी यहाँ पर ये गामा फंक्शन की जरूरत है, और गामा फंक्शन का जो है गामा फंक्शन का जो एक रिजल्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गामा वन बाई टू बराबर अंडर रूट पाई, इसे आप रूट पाई, जी हाँ अंडर रूट पाई, स्क्वायर रूट पाई आप नोट कर लें। ये गामा वन बाई टू जहाँ पर फंसता है ये जा करके टर्मिनेट होता है गामा वन बाई टू में। आइए देखते हैं, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम जो इसमें लगनी है बीटा गामा वाले में, वो क्या है थ्योरम, वो थ्योरम ये है कि अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट वन माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ये थ्योरम बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम से वो क्वेश्चन आया स्टैटिक डायनेमिक्स वाले सिलेबस वाला, तो वो इसी से बनेगा और किस ज़्यादातर इसी से आता है, अंडर रूट एन अपॉन इंटू वन माइनस एन, ऐसा है। तो आपके पास जो सवाल दिया है पीछे वो है माइनस सर फार्मूला होता है, जी सर फार्मूला है, ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें टीजीटी में कुछ फार्मूले आपको बिल्कुल कंठस्थ करके जाएंगे आप, जैसे गुरुत्व केंद्र वाले फार्मूले आपको हम बिल्कुल रटवा देंगे, गुरुत्व केंद्र है ना, छड़ का, गुंबद का, शंकु का, गुरुत्व केंद्र आपको याद होना चाहिए, गुरुत्व केंद्र और गुरुत्व केंद्र की केंद्र से दूरी दो चीज होती हैं, उनको याद कराएंगे। तो एन रूट और अंडर रूट वन माइनस वन, कि पिछले बार गुरुत्व केंद्र के तीन प्रश्न आए थे सर, याद है आपको 2021 में? जी सर, जी सर, हाँ सर, गोला का आया था, शंकु का आया था, तीन क्वेश्चन थे गुरुत्व केंद्र के, अंडर रूट एन अंडर रूट वन माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। आइए मित्रों देखते हैं सवाल क्या है, सवाल है अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू, जी हाँ अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू, मतलब पहचान हो गई कि n की जगह बैठा है माइनस थ्री बाई टू। तो चलिए हम ये वाली थ्योरम लगाते हैं, हम जानबूझ करके इसमें अंडर रूट वन माइनस एन
वन माइनस एन, वन माइनस माइनस थ्री बाई टू यानी वन प्लस थ्री बाई टू यानी कितना हो गया पाँच बटे दो का मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या रूल कहता है कि ये होता है पाई अपॉन साइन साइन माइनस थ्री बाई टू, क्योंकि एन की जगह माइनस थ्री बाई टू है, माइनस थ्री बाई टू पाई। साइन माइनस 270 डिग्री, साइन माइनस थीटा सब लोग जानते हैं, माइनस को साइन उगल देता है, ऑड फलन है, विषम फलन है, माइनस साइन को उगल देता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट बन गया गलती से मित्रों, हाँ रूट ही तो है, रूट ही तो है भाई, कोई भी गलती नहीं है, माइनस थ्री बाई टू, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट फाइव बाई टू बराबर माइनस पाई अपॉन साइन, माइनस पाई ऊपर चला गया और साइन थ्री पाई बाई टू। तो साइन थ्री पाई बाई टू कितना होता है बताइए, साइन थ्री पाई बाई टू मतलब 270 डिग्री, और 270 डिग्री में कितना आता है वैल्यू माइनस वन, साइन 270 डिग्री जो होती है माइनस वन आती है। कैसे ग्राफ चलता है, जीरो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, जीरो ये 180 और ये 270 पे माइनस वन, तो माइनस माइनस हो गया माइनस प्लस प्लस वन। ठीक है सर, तो अब हमारे पास हमको चाहिए है अंडर रूट थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू। ओके, तो अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू दैट इज इक्वल्स टू पाई अपॉन अंडर रूट फाइव बाई टू। तो पाई अपॉन अंडर रूट फाइव बाई टू आ चुका है, ठीक है ना। चलिए पाई अपॉन अंडर रूट फाइव बाई टू, अब इसको बीटा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी से, एक मिनट यहाँ पे कुछ एन माइनस वन, ये यहाँ पर गामा था तो मैंने रूट लगा दिया मित्रों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गामा है ये, तो पाई सही सर, तो हम सब जगह रूट लगाए हैं। हाँ ना, दूसरा वाला रूट नहीं है मित्रों, देखो ना फॉर्मूला देखो, एन माइनस वन एन माइनस वन, दूसरा वाला गामा है, पहला वाला रूट है और दूसरा वाला क्या है गामा है यहाँ। एन माइनस वन वन माइनस एन गामा है, हाँ एन वन माइनस एन वाला गामा है ना, और पहला वाला रूट है, हाँ पहला वाला रूट है, पहला वाला रूट है, ये दूसरा वाला गामा है, वो गलती से लग गया मुझसे। चलिए तो पाँच बटे दो, तो अभी मैंने आपको बताया गामा फंक्शन कैसे सॉल्व होता है, देखो गामा फंक्शन एक कम कर दो और जो आए उसका क्या लगा दो, गामा लगा दो, यही बताया ना। जी जी जी, एक कम कर दीजिए, ये देखिए फिर से बताता हूँ, गामा एन बराबर एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, तो पाँच बटे दो में से एक कम करिए, बोलिए कितना आएगा, तीन बटे दो, तीन बटे दो, और तीन बटे दो का फिर से गामा तीन बटे दो, बोलिए हाँ जी जी जी, और थ्री बाई टू, थ्री बाई टू को फिर से कम कर दीजिए एक से, बोलिए कितना आएगा, एक बटा दो जाएगा फिर, एक बटा दो, एक बटा दो पाई हो जाएगा, एक बटा दो, एक बटे दो गामा वन बाई टू, एक बटा दो जाएगा उसका पाई, गामा वन बाई टू हो गया, और गामा वन बाई टू जो होता है वो कितना होता है पाई होता है। तो हमारे पास कितना आ चुका है कुल मिलाकर के, हमारे पास ये आ चुका है पाई अपॉन थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू अंडर रूट पाई, टू टू कितना हो गया फोर, तो ऊपर हो गया फोर पाई अपॉन थ्री रूट पाई, एक रूट पाई से एक रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, फोर रूट पाई अपॉन थ्री। प्लीज़ फार्मूला नोट कर लीजिए, फार्मूला जो मैंने आपको बताया है वो बताया है कि अंडर रूट एन और गामा वन माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। सीधे सीधे आपको ये फार्मूला मार्क्स दे करके जाएगा, तैयार रहिएगा इसके लिए, चेक कर लें आंसर, फोर अंडर रूट पाई बाई थ्री, चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या, यस सी इज द ऑप्शन। हाँ जी मित्रों बोलिए, सर मेरा एक डाउट है, बोलिए सर, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कि आपने ये नीचे चेंज किया है फाइव बाई टू को गामा में, हाँ थ्री बाई टू एंड वन बाई टू, सर इसको कब तक चेंज करना, बस इसको एक बार डिफाइन कर दीजिए, जब तक रूट वन बाई टू ना आ जाए। अच्छा सर, ओके सर, लास्ट स्टेप रहेगा गामा वन बाई टू और वहीं पर जाके वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। चलिए और किसी का कोई सवाल,
मित्रों बताइए समझ में आया ना अच्छे से कि नहीं आया? इसका फाइनल आंसर क्या है? इसका फाइनल आंसर मैंने अभी पीछे दिखाया आपको, ये है 4√π/3। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हो गया, चलिए अगला सवाल भाई आठवीं क्लास का सवाल। अच्छा सर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं लगा सकते? -3/2 है तो आई स्क्वायर लेकर के फिर उसको उस तरीके से नहीं लगा सकते? -3/2 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, फिर आयलर्स थ्योरम लगेगी, आयोटा वाले फॉर्म में बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है ना? यदि आप इसको कर लीजिएगा सोल्यूशन तो ग्रुप में डाल लीजिएगा, सभी लोग देख लेंगे। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन नंबर 88। कक्षा छठवीं का क्वेश्चन, छठवीं सातवीं आठवीं। इनका सी आपका सही रहेगा सर, नौ गुना हो जाएगा। नौ गुना, हाँ जी नौ गुना, देखते हैं। और बताइए मित्रों किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, क्या कैसे करना है? बहुत सरल सवाल है ये। एक तार की त्रिज्या को कम करके एक तिहाई कर दिया जाता है भाई साहब देखिए, और इसका आयतन समान रहता है। मतलब क्या कह रहा भाई साहब, आयतन समान है तो एक तार है जिसकी त्रिज्या को कम करके एक तिहाई कर दिया जाता है, आयतन समान वाला केस है। तो पहला V1 = V2, तो ये जो तार है ऐसा तार था, इसको खींच दिया गया होगा, तो जब खींच देंगे तो इसका त्रिज्या छोटा हो जाएगा, क्षेत्रफल तो छोटा हो जाएगा मगर लंबाई इसका बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहा है, आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, आयतन को बेलन का आयतन होता है πr²h, तो r1²h1 = π, नई वाली त्रिज्या r2² और कितना h2। क्या कहना क्वेश्चन का कि एक तार को त्रिज्या को कम करके एक तिहाई कर दिया जाता है। ओके, मतलब दूसरी परिस्थिति में जो इसको तो पहले काट दो, r2 है वो एक तिहाई है, मतलब r1 का तीसरा हिस्सा है, ये स्क्वायर कर दो r1²h1 और ये h2 आ गया। चलिए r1²h1 = r1² ही होगा, 3² = 9 हो जाएगा इंटू h2, r1² से r1² कैंसिल, 9 ऊपर चला गया, 9×h1 = h2, मतलब नई वाली लंबाई जो होगी पुरानी वाली लंबाई का 9 गुना होगी। करेक्ट आंसर है सर जी, बिल्कुल आपका 9 गुना। चलिए तो ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान, TGT में पूछा गया। चलिए डन, आ गया समझ में सभी को? कोई दिक्कत? सर देवेश सर माइक बंद कर लीजिए, शॉर्ट हो रहा माइक। हाँ बाकी बताएं किसी को कोई समस्या? यस कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक सर, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 जो है, हालांकि 87 मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इक्वेशन ऑफ मेरा एक डाउट है जी, बोलिए सर। सर पीजीटी के लिए डायनामिक्स और स्टैटिस्टिक्स कौन सी बुक से अच्छा रहेगा प्रिपेयर करने के लिए? सर पहले जो उत्तर आज किसी ने ग्रुप में मैसेज डाला है, जिस ग्रुप से हम अपने सर सूरत से जुड़े हुए हैं, उसमें पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक बुक चला करती थी सर, पहले 12वीं क्लास में पुराने समय सर, सेवाराम गर्ग वाली थी। हाँ जी सर, तो यदि वो बुक कहीं मिल जाए सर, अगर वो बुक मिल जाए सर उसी बुक से स्टैटिक्स डायनेमिक्स होगा, बाकी सर कहीं नहीं मिल रहा है उसका मैटर। सर मेरे पास सेवाराम गर्ग या मनोहर रे की बुक होती है, शालिनी शर्मा मनोहर। और मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि अगर उस बुक का PDF बना करके कोई टेलीग्राम में हो कहीं पास, या उसके किसी के पास व्हाट्सएप में हो, तो उसको टेलीग्राम PDF सर डाले हैं, सॉरी ऑलरेडी पहले से है। अच्छा नहीं, उसके ग्रुप पे है सर ऑलरेडी, स्टैटिक्स बुक जो हिंदी वाले सारी पढ़ी हुई है। स्टैटिक्स डायनेमिक्स के PDF है सर? नहीं है हाँ, तो सर मैं आप कृपया ग्रुप में हमें सूरज सर का जो ग्रुप है या जिस ग्रुप में भी है आप उसमें शेयर कर दीजिए, या मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मेरे को शेयर कर दीजिए, या टेलीग्राम का लिंक दे दीजिएगा तो थोड़ा मैं PGT की भी तैयारी करवा दूंगा।
ठीक है सर। ओके थैंक यू सर, बिल्कुल 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 सर। तो अब देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 87 है, पोलर सब टेंजेंट, ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अधो स्पर्शी, हिंदी में इसे बोलते हैं ध्रुवीय अधो स्पर्शी। मित्रों ध्रुवीय अधो स्पर्शी का फॉर्मूला नोट कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला, पोलर सब टेंजेंट, हाँ ये पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला है, ठीक ना। ये क्वेश्चन हालांकि पीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी को भी एक दो बार पूछा गया है, इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ये होता है इसका फॉर्मूला, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। हाँ तो ये इसका पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला है, ध्रुवीय अधो स्पर्शी इसे हिंदी में कहते हैं। सर माइक बंद कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है, ध्रुवीय अधो स्पर्शी, ये ध्रुवीय अधो स्पर्शी का फॉर्मूला है। अब आप यदि इसी प्रश्न का सवाल चाहें, पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, पीजीटी वालों को पूछा गया है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच पोलर सब टेंजेंट इज कॉन्वेक्स, कह रहा है उस कर्व का, उस वक्र का समीकरण बताओ जिसकी ध्रुवीय अधो स्पर्शी नियतांक है। मतलब इस प्रश्न में आपको जो ध्रुवीय अधो स्पर्शी है वो नियतांक दी गई है, मतलब डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू कोई कांस्टेंट ले लो, ए ले लो, बी ले लो, एम ले लो, सी ले लो, जो लेना हो ले लो। अब देखिए भैया, आर स्क्वायर ऊपर बैठा है और आपको पता है कि इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल ऊपर चाहना पड़ेगा, तो कुल मिला करके ए के साथ डी आर को भेज दो और आर स्क्वायर को नीचे ले आओ, और यहाँ पर ले आओ कितना डी थीटा। ऑप्शन में देखिए थीटा अकेला बैठा है, मतलब पक्का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ लगाइए अवकलन का निशान, ए कांस्टेंट है और डी आर अपॉन आर स्क्वायर अवकलन का निशान, और प्लस में आपको जोड़ सकते हैं समाकल गुणांक जिसको बोलते हैं सी, वो आप जोड़ सकते हैं, तो इस तरफ जोड़ दीजिए, अकेला वाले के साथ हमेशा जोड़ना चाहिए सी, तो डी थीटा सी प्लस डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू ए, और डी आर का इंटीग्रेशन सबको बनता होगा माइनस वन अपॉन आर, बनता है कि नहीं बनता जी, माइनस वन अपॉन आर ही होता है भाई, बोलिए आर की पावर माइनस वन बाई आर, हाँ आर की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो आर की पावर, आर की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, मतलब माइनस वन बाई आर, तो ए और माइनस वन बाई आर, बिल्कुल सही यहाँ पर हो गया, तो माइनस ए बाई आर इक्वल टू थीटा प्लस सी, तो माइनस ए बराबर आर ब्रैकेट में थीटा प्लस सी, इसको इस तरफ ले जाइए, ए प्लस आर थीटा प्लस सी बराबर जीरो, कुछ नहीं करना पड़ा, केवल इंटीग्रेशन करना पड़ा। अब ये मिल गया हमको क्या, ये हमको मिल गया वक्र का समीकरण, जिस पर हमको अधोस्पर्शी दी गई थी, जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको अवकल समीकरण दिया जाता है और अवकल समीकरण से वक्र निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, वैसे यहाँ पर अधोस्पर्शी का समीकरण मित्रों होता है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, और उसकी वैल्यू नियतांक दी गई है, तो नियतांक रख करके हमने निकाल लिया। बताइए मित्रों, एक लाइन का कंसेप्ट होता है और ये पूछ लिया जाता है ना, कोई पढ़ाई लिखाई इसमें ज़्यादा नहीं, जिसको बनता है वो करके आ गया, अब इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना किताब पढ़ा है। चलिए ठीक है मित्रों, आया समझ में कि नहीं आया, बोलिए 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 जी सर, जी सर जी। चलिए अगला, फोर्स का, बल का क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक पर सवाल लेने जा रहे हैं। ये देखिए, बल के क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक पर सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 86। ये बल के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक पर सवाल नहीं है, ये सवाल जो है उसका है, बल का न्यूटन वाला प्रभाव का सवाल है ये, ठीक है ना। तो आप सभी को मैं तीन इक्वेशन बता रहा हूँ जिस पर ये सवाल बनेगा। आइए तो लिखिए, एक विमीय गति
एक विमीय गति का दूसरा नाम है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। एक विमीय गति का ही दूसरा नाम है सरल रेखीय गति। ये इसके सवाल बहुत आसान होते हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है कंसेप्ट, सिंपल फिजिक्स का नौवीं क्लास का कंसेप्ट है तो आप इसके सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएगा तो वो मैं बता दूंगा, गति में एक छोटी की मात्रा इस तरफ है भैया। चलिए ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक विमीय गति में सरल रेखीय गति में हम लोग को कौन सी गति पढ़नी है, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति, एक समान गति नहीं, एक समान त्वरित गति। आप कहेंगे अगर एक समान गति तो उसमें छठवीं क्लास वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये छठवीं क्लास का फॉर्मूला तब तक लगेगा जब तक एक समान चाल है, मतलब त्वरण जीरो है तब तक ये लगेगा फॉर्मूला। गाड़ी बिल्कुल अंकल जी के स्कूटर के जैसे चल रही है, ना त्वरित हो रही है ना मंदित हो रही है, मतलब त्वरण क्या है, जीरो है, जीरो है, मतलब न्यूटन साहब का दूसरा नियम, एफ बराबर एम ए से ए जीरो कर दोगे तो मतलब बाह्य बल कितना है, जीरो। ना अंकल ने ब्रेक लगाया ना अंकल ने एक्सेलरेटर लगाया तब तक आपका ये छठवीं क्लास का फॉर्मूला लगेगा जो आठवीं क्लास तक लगता है, मगर नौवीं क्लास में आते ही हमारे पास आ जाता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, जब जब वेग में परिवर्तन होगा तब तक त्वरण आएगा, वेग में परिवर्तन की रफ्तार। मान लीजिए कोई गाड़ी थी, वो उसका पहला वेग था 6u, प्रारंभिक वेग था u, और बॉडी का वेग बढ़ने लग गया क्योंकि आपने बल लगाया, बॉडी का वेग बढ़ेगा तो गाड़ी की रफ्तार चेंज होगी और आवाज़ कुछ ऐसी आएगी इस तरीके से, तो अब वेग हो चुका है v, तो u से लेके v तक वेग में परिवर्तन हुआ है और कुछ निश्चित समय में हुआ है। अगर वो समय कम होगा तो बॉडी जोर से त्वरित होगी, समय ज़्यादा होगा तो बॉडी धीरे धीरे त्वरित होगी। तो वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय के साथ को बोलते हैं त्वरण। तो देखते हैं, त्वरण बराबर a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग में परिवर्तन कितना है, v माइनस u अपॉन समय लगा है t, तो ये आपका आ गया त्वरण। हाँ सॉल्व कर लेंगे तो v बराबर u प्लस at बन जाएगा, जो गति का पहला समीकरण हुआ करता है, v बराबर u प्लस at, ओके, पहला समीकरण इक्वेशन का होता है। तो ये हो गया अपने पास दूसरा त्वरित गति में। अभी देखिए यहाँ पे अगर त्वरण गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो हमेशा a को धनात्मक लीजिएगा, उसको बोलेंगे त्वरण, और अगर गाड़ी की स्पीड घट रही है तो a नेगेटिव लीजिएगा। दूसरा समीकरण लिखिए, t सेकंड में चली गई दूरी, t सेकंड में चली गई दूरी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक समान त्वरित गति में t सेकंड में चली गई दूरी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण लिखिए, v² + u² + 2as, ये सभी के सभी धनात्मक त्वरण के लिए हैं, जब यदि अवमंदन होगा, गाड़ी रुकेगी मतलब रुक गई तो उस समय a नहीं लगेगा, उस समय जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ माइनस a लगेगा क्योंकि गाड़ी अवमंदित हो गई है। यस, गाड़ी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है आपकी, बिल्कुल सर बिल्कुल। और f इक्वल टू एम ए, लगने वाला बल f बराबर एम ए, नोट कर लीजिए f बराबर एम ए। अगर इतने फॉर्मूले आपको आते हैं और इतने कंसेप्ट आते हैं तो आपको बन जाएगा। और एक फॉर्मूला और एनवे सेकेंड में, हाँ वही बता रहा हूँ, एनवे सेकेंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी, देखिए क्या है ये, एनवे सेकेंड में चली गई दूरी, गाड़ी चली कब से स्टार्ट हुई, समय टी बराबर जीरो से, स्टॉप क्लॉक अपने हाथ में रख ली, टी बराबर जीरो से एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड। अगर आप तीन सेकेंड तक का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको एस थ्री लगाना पड़ेगा जिसका नाम है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा, तीसरे सेकंड में, तीसरा सेकंड मतलब यहां पर पहला खत्म, यहां पर दूसरा खत्म, ये है आपका तीसरा सेकंड,
यस, ये है आपका तीसरा सेंट, इतने में कितनी दूरी चली गई है वो कहलाता है एस थर्ड। एक है एस थ्री, एस थ्री मतलब तीन सेकेंड तक, और एक है एस थर्ड, थर्ड मतलब तीसरे सेकेंड में। तो इस तरीके से एक है एस एन मतलब एनवे सेकेंड तक, और एक है एस एंथ एनवे सेकेंड में। फॉर्मूला याद कर लें, यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, जब इसका सवाल आएगा तो करवाएंगे, नोट कर लें। एस एंथ इक्वल टू यू बाई टू, यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, U प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, डन, लिख लिए? डन सर। चलिए तो अब करते हैं इस पर सवाल जो हमने आपसे सवाल पूछा है। ए फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 54 किलोग्राम, तत्काल लिखें कॉपी में, बॉक्स जो भी है 54 किलोग्राम का है और 8 किलोमीटर एक मिनट में मूव करता है। देखिए भाई आपके सिलेबस में SI यूनिट, MKS यूनिट, मतलब ये हमको घुमा रहे हैं 8 किलोमीटर एक मिनट में, और आपको वैल्यू बतानी है। देखिए भाई साहब आपको क्या है, द्रव्यमान दिया है आपको, त्वरणमी कहा, त्वरणमी कहा, एक बल है जो किसी बॉडी पर लगता है, बॉडी का मास है 54 किलोग्राम, तत्काल लिख लिया हमने, द्रव्यमान बराबर 54 किलोग्राम है, और वह जो है बॉडी को एक मिनट में 8 किलोमीटर धकेल देता है, एक मिनट में 8 किलोमीटर धकेल देता है, तो बताइए कि बल कितना लगेगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या नहीं पता, हमें यहाँ पर त्वरण नहीं पता है, हमें इस क्वेश्चन में त्वरण नहीं पता है, तो हमें F इक्वल टू एम ए लगाने के लिए त्वरण की ज़रूरत है। ओके, तो 8 किलोमीटर है सबसे पहले, तो 8 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो S बराबर 8 किलोमीटर मतलब कितने मीटर, 8000, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एम के एस में आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये एम के एस क्या है, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड, ये फिजिक्स का स्टैंडर्ड है, जो फिजिक्स की दादागिरी चल रही है वो इसी सिस्टम में चल रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड में एम के एस चल रहा है। हालांकि 1960 में संस्था बना करके उसका नाम SI कर दिया गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, नहीं तो पहले के समय में अलग अलग कंट्री अलग अलग चलाया करते थे, मगर अब सबको कंट्रोल करने के लिए SI चल रहा है, जैसे केमिस्ट्री का IUPAC चल रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग चल रहा है। सो S बराबर हो गया 8000 मीटर, ठीक है, और क्या भाई साहब, 8 किलोमीटर हो गया, समय कितना दिया है एक मिनट, ओके, टाइम बराबर एक मिनट, तत्काल सेकेंड में बदलें 60 सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है त्वरण, ठीक है ना। बॉडी पर ब्लॉक व्हेन एक्टिंग ऑन एक फोर्स लगाया गया है, मतलब स्टार्टिंग में फोर्स नहीं लग रहा था, तो बॉडी का प्रारंभिक वेग कितना था, जीरो। चलिए लगाते हैं समीकरण, S बराबर लगेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आप कहेंगे बाकी वाला क्यों नहीं लगेंगे, भैया बाकी वाले में भी आता है यानी अंतिम वेग, और अंतिम वेग आपको पता नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसलिए बाकी वाले नहीं लगेंगे, रख दो भैया। S बराबर 8000, U यानि प्रारंभिक वेग जीरो के साथ जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं है, 1/2 त्वरण लापता है, और यहाँ पर 60 का स्क्वायर मतलब 3600, समझ गए जी, 3600 कर दिया जी सर, जीरो जीरो से दो जीरो हो गए कैंसिल, बराबर आ गया 18/18, और A बराबर आ गया 80/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया अपने पास त्वरण। अब आपको कहा है भैया कि बताइए बल कितना लगेगा, तो न्यूटन साहब जिंदाबाद, F बराबर MA, M कितना है 54 किलोग्राम, किलोमीटर लिख दिया मैंने भी, किलोग्राम था भाई साहब, 54 किलोग्राम इंटू 80/18, 18 × 54, ओके, 3 × 80 240 न्यूटन, न्यूटन, बिल्कुल, फोटो ले लें खटाक से, 240 न्यूटन का बल लगेगा। याद रखिएगा बल का मात्रक जो होता है SI पद्धति में जो चल रही है न्यूटन होता है, और दूसरी CGS पद्धति में यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में अगर क्वेश्चन दे दे तो डाइन होता डाइन है, जी हाँ डाइन। और ये भी जान लीजिए कि एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, पांच, जी हाँ, जैसे एक मीटर में
जैसे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। एमकेएस सिस्टम में तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे ना इसको? अरे हाँ जी, एमकेएस सिस्टम में इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे, परंतु मैंने ऑप्शन नहीं देखा है, ऑप्शन देख लेते हैं। डाइन वाले हैं, न्यूटन वाले हैं, आंसर एसआई में है, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत मित्रों? हेलो बोलिए प्लीज। नो प्रॉब्लम हो गया सर, समझ में आ गया। चलिए सर, नो डाउट। चलिए सर जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। देखिए चारों ऑप्शन डाइन में है, डाइन में है मतलब चारों ऑप्शन डाइन में है, इसका मतलब सिस्टम लगेगा सीजीएस वाला। सीजीएस। साउंड रिपीट हो रहा है सर, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज जिन्होंने ऑन किया है। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। ये ओल्ड सिस्टम है सर, ब्रिटिश लोग यही फॉलो करते थे, सीजीएस सिस्टम में लगाना है। तो अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम, 20 ग्राम की बॉडी। ब्रिटिश लोग एफपीएस पद्धति फॉलो करते थे। ब्रिटिश सर, मैं गलती होगा सर, ब्रिटिश एफपीएस यूज करते थे सर, ये फ्रेंच सिस्टम था है ना, ब्रिटिश एफपीएस यूज किया करते थे, मैं गलती से ब्रिटिश बोल गया, ब्रिटिश यूज किया करते थे एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ये ब्रिटिश का सिस्टम था। और फ्रेंच का सिस्टम था सर सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये फ्रेंच पद्धति थी। हाँ सर, फिलहाल बात करते हैं इसकी। एक कांस्टेंट फोर्स, एक नियत बल लग रहा है बॉडी पर जिसका मास है 20 ग्राम। चलिए तो भाई बॉडी का मास है 20 ग्राम, एम इक्वल टू 20 ग्राम, ठीक है। और क्या कह रहा है, प्रोड्यूस इट वेलोसिटी 27 सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड, और ये 6 सेकेंड के अंतराल में 27 सेंटीमीटर की वेलोसिटी प्रोड्यूस कर देता, मतलब प्रारंभिक वेग जीरो रहा होगा और अंतिम वेग आ गया है 27 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का अंतिम वेग आ गया है, और समय दिया गया है 6 सेकेंड। बताइए कि लगने वाला त्वरण कितना होगा। बेहद सरल सवाल, a बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, तो v है 27, u है 0 और समय है 6 सेकेंड का। बहुत लोग बीच बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, सभी लोग जुड़ जाएं करें समय से। 27/6, 3 से काटिए 2 बार और 3 से काटिए 9 बार, 9/2 यानी कि 4.5 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण काम करेगा। अब इस त्वरण से, त्वरण यानी कि झटका, धक झटका लगा, तो झटका लगेगा ब्लॉक पर तो क्या बनेगा, बल। तो बल बराबर द्रव्यमान 20 ग्राम इंटू, त्वरण भाई सेकेंड स्क्वायर में होता है, इंटू 4.5 यानी कि 9/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 से कट गया 10 बार, 10 × 9 90 यूनिट। बताइए मित्रों न्यूटन या डाइन? डाइन, बिल्कुल सही, यूनिट होगी इसकी डाइन। ओके तो करेक्ट आंसर होगा इसका 90 डाइन। चलिए अगला सवाल लिखिए। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एफ, ए की जगह एफ दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, द डिस्टेंस डिस्क्राइब द पार्टिकल इन सेकेंड, सेकेंड दूसरे सेकेंड में कण के द्वारा चली गई चाल, प्रारंभिक वेग यू है, तो आपको बताना है एस टू एंड सेकेंड। फॉर्मूला क्या बताया मैंने एस एंथ का, याद रखिए यू प्लस पूरे 2 सेकंड में बताओ, ये कह रहा दूसरे सेकंड में बताओ, ये नहीं बोला है 2 ओवर तक कितनी बॉल डाली गई है, ये बताओ दूसरे ओवर में कितनी बॉल डाली गई है, तो दूसरे ओवर में हाँ चलिए देखते हैं फॉर्मूला। तो S2 बराबर U प्लस, A की जगह F दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, 2 और दूसरा सेकेंड N इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 माइनस 1 तो ये 3 हो जाएगा, सो आंसर U प्लस 3F/2, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही, U प्लस 3F/2, U प्लस 3F/2, ठीक है जी।
क्लियर है सभी को? हाँ बोलें जी सर। चलिए जी, यस सर। अगला सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन, कल पढ़ाया था आज आया है प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए करते हैं अगला सवाल। हिंदी में सवाल को मैं समझा देता हूँ। टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज से 30 अंश व 60 अंश का कोण बनाकर दो बॉलों को फेंका जाता है। ये है 30 अंश और ये है 60 अंश। अगर वे दोनों समान ऊंचाई धारण करती हैं तो उनका वेग बताइए। भाई सही बात है, समान ऊंचाई धारण करेंगी तो उनका वेग बताना है। अगर वो उनकी अधिकतम समान ऊंचाई जो है वो सेम है, तो ये देखिए ये दोनों की अधिकतम ऊंचाई सेम है तो उनके वेगों का अनुपात बताना है U1 अपॉन U2। चलिए बताइए मित्रों U1 अपॉन U2 का अनुपात कितना है। बेहद सरल सवाल। बनेगा, दोनों की हाइट सेम है, एक की हाइट H1 ले लीजिए और एक की हाइट H2 ले लीजिए। सर H1 वाला फार्मूला बता दीजिए, हम कल नहीं थे, कल अब्सेंट थे। कल हम आपको फार्मूला पढ़ाए थे हाइट का। अधिकतम प्रक्षेप गति में तिर्यक प्रक्षेप में ट्रेवल की जाने वाली जो अधिकतम ऊंचाई होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर जी एक विमी गति नहीं चल रही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब साइन थीटा ही को गायब कर देंगे, थीटा ही का तो रेशियो चाहिए है ना। तो चलिए H1 इक्वल टू साइन थीटा दिया ना 60-30, तो H1 बराबर है U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर पहला कोण है 60 डिग्री पर, देखिए मैंने एंगल दिखाया था, पहला कोण 60 पर है ना, अपॉन कितना 2g, ये पहला हो गया। दूसरा H2 जो है वो कितना है, तो H2 इक्वल टू है U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कितने डिग्री है भाई साहब, दूसरा वाला 30 कितना है 30 डिग्री, हाँ साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। तो 2g से 2g, अच्छा दोनों को इक्वल तो कर दो, H1 बराबर H2, क्वेश्चन ने कह रखा है H1 बराबर H2, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो 2g से 2g क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओके। और U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर इक्वल टू आएगा साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 30 U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों के हाइट इक्वल हैं तो U1 को रोक लोगे यहाँ, U2 नीचे आ जाएगा, तो U1 अपॉन U2 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन 30 का होल स्क्वायर बोले तो 1/4, साइन 60 मतलब 3/4, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 1/3, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा U1 अपॉन U2 इक्वल टू 1:√3। चेक करते हैं आंसर, ऑप्शन है, आंसर है डी, बिल्कुल सही 1:√3। ठीक है मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो यस सर जी सर, आ गया समझ में, क्लियर है एकदम? बिल्कुल सर। चलिए जी बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से क्लियर है लोकेश सर। अरे बहुत बढ़िया सर। चलिए जी अगला सवाल, ये 2021 में पूछा गया सवाल था, धोखेबाज सवाल था। इसमें पूछा था T1 और T2 सेकंड पर बताइए दो बिंदुओं पर वेग समान है, दो बिंदुओं पर बताइए हाइट समान है तो हाइट कितनी होगी। इसको आप यूनिट से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1/2, ऑप्शन नंबर ए है 1/2 जी टी वन टी टू, 1/2 जी टी वन टी टू, 1/2 जी की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T1 भी समय है, T2 भी समय है, समय 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 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीटर केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही उत्तर है। बाकी करने का तरीका मैंने क्लास नंबर 1 में बताया था, द्विघात समीकरण बता करके मूलों का गुणनफल करके ही आ जाता था। बोली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार आया है, बहुत बार आया है सर, बहुत बार आया है, अभी 2021 में भी आया था ये क्वेश्चन। चलिए मित्रों, तो थकान तो बहुत ज़्यादा थी आज, बहुत ज़्यादा थकान थी स्कूल में, क्योंकि मूल्यांकन का कार्य चल रहा था, मैं भी कॉपी जांचने में लगा था, मगर आज नेटवर्क भी अच्छा चला और आप लोगों ने बखूबी साथ निभाया, तो पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आया,
है ना। और आज की क्लास में मज़ा आया एकदम पढ़ाने में, तो कल मिलते हैं फिर दोस्तों। कल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल बलों का संतुलन और लामीस थ्योरम, प्रक्षेप गति के और कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। मेरा जी सर बोलिए सर। सर जैसे आपके वीडियो रिकॉर्ड्स हो सकते हैं या नहीं हो पा रही है? क्या सर क्या चीज? YouTube की रिकॉर्डिंग बिल्कुल चल रही है सर, ये देखिए ना बिल्कुल चल रही रिकॉर्डिंग। ओके फाइन ठीक है सर। ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाती है, सूरज सर से ग्रुप का लिंक ले लीजिए, ठीक है ना। और जिन लोगों को लिंक लेने में प्रॉब्लम आ रही है वो मेरा पर्सनल नंबर भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक। सर मुझे कैसे चाहिए आपसे नोट्स ये बताएंगे आप लिंक क्या प्लीज? सर आप ये नंबर ले लीजिए, इसमें मेरे को हेलो करके नाम लिख दीजिएगा, लिख दीजिए लिंक दे दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। हम okay, चाहेंगे ना सर कि हमारे ग्रुप से ज़्यादा लोग जुड़ें, है ना भाई। जब क्लास चल रही है तो क्लास चलने में ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आप जोड़ सकते हैं आप जोड़िए सर, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे जुड़ेंगे उनका फ़ायदा होगा, उससे हमें फ़ायदा होगा, उससे अच्छा हमें लगेगा, ठीक है सर। तो ये नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिए। और जो भाई साहब हमारे नोट्स भेजने जा रहे थे, जिनके पास अच्छे अच्छे नोट्स हैं कृपया नोट्स भेज दीजिएगा ग्रुप में या पर्सनल, तो अपन उस नोट्स को पढ़ पढ़ के साहब आपको पढ़ा देंगे। सर स्टैटिक्स जाने में खत्म करने के बाद सीरीज पढ़ाएंगे क्या? अरे ऐसा गर्दा वाला सीरीज पढ़ाएंगे सूरज सर आपको कि भाई साहब आप क्या बताएं। हमारे बीच में जो सूरज सर सीरीज में, सीरीज में सर हम लोग जैसे मेंटर बेसिस पर पढ़ाते हैं तो ठीक है, लेकिन वो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट तो सब बीएससी का सब भूल गया है, अगर उसका रिवीजन हो जाता तो बड़ा अच्छा था क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत टेकअप होते हैं। करा देंगे सर, फुल प्रयास रहेगा, जितना शरीर में जान है तब तक मेहनत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हम बता दें हमारे बीच में जो सूरज सर हमारे इस ग्रुप के जो मेन संचालक हैं जुड़े हुए हैं, वो स्वयं पिछले बार आजम सर प्रतापगढ़ से, सर आपका चौथा रैंक था ना सर? हाँ सर तो भाई सर कहाँ पोस्ट पे समय कहीं ज्वाइन किए कि नहीं अभी? हाँ नीरज सर ज्वाइन कर लिए, अमेठी में ज्वाइन किया है हमने। हाँ अच्छा अमेठी में ज्वाइन किया। तो सर अभी हमारे पास हमारे जो ग्रुप में आपको तो सर आपका टीजीटी हुआ पीजीटी हुआ है? टीजीटी में हुआ सर। हाँ और सर अभी हमारे आकाश सर आपका हुआ, आकाश का भी हुआ है, आकाश का तो मान लीजिए हम लोग जानकारी में हुआ था आकाश सर का। तो अभी आकाश सर भी आपको पढ़ाने आएंगे किस दिन में, वो भी हमारे ग्रुप के डायमंड हैं, ठीक है सर? हाँ सर वो तो मैं जानता हूँ, उनको मैं क्वेश्चन भेजता हूँ सोल्यूशन भेजते हैं, वो तो कोटा में थे ना, कोटा से आए हैं। सर मत पूछिए सर, उनकी तो तारीफ में क्या कहा जाए। चलिए खैर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, रात्रि के लिए आपको शुभकामनाएं। नमस्ते सर, जय सियाराम। नमस्ते नमस्ते।